हेलो गाइस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नया नोटिस आ गया है और यह जो नोटिस है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 को लेकर के है। उसमें जो है टायर वन एग्जाम हुआ है उसी को लेकर के यह नोटिस है। इसमें जो कह रहा है कि अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की एलोंग विद कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 टायर वन। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो आंसर की जारी किया गया है, साथ ही साथ आप लोग जो रिस्पॉन्स किए वो सब सारी जानकारी को यहाँ पे दिया गया है इस नोटिस में CHSL एग्जाम, जो कि एग्जाम हुआ है 2020 टायर वन में। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 टायर वन, वह जो है 12, 13, 15, 16, 19 अप्रैल 2021 को एग्जाम हो चुका था। उसके अलावा में 4, 5, 6, 9, 10, 11 और 12 अगस्त को जो है एग्जाम हो चुका है। कहाँ पर हुआ है? तो डिफरेंट सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर भी इसका सेंटर था तो उसमें इन सारे डेट्स में एग्जाम हो चुके हैं CHSL एग्जाम। उसके बाद में ये जो है हमारा अगला नोटिस में क्या कह रहा है, द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट्स एलोंग विद द टेंटेटिव आंसर की आर नाउ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स शीट और साथ ही साथ में आंसर की भी जो यहाँ पे गिवन भी जो है लिंक गिवन बिलो वहाँ पर अवेलेबल हो गया है। इसमें है द कैंडिडेट्स में लॉग इन एज पर प्रोसीड्योर मेंशन थ्रू द लिंक प्रोवाइड बिलो। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वहाँ पर जो भी चीज़ें मांगेंगे उसके हिसाब से लिंक में जा करके आप डाल सकते हैं और फिर लॉग इन हो सकते हैं। तो यह है। और अगला में जो है हमारा कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर की इफ़ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म 20/8/2021 के 6 बजे शाम से लेकर के 25/8/2021 के 6 बजे शाम तक में ऑन पेमेंट ऑफ RS 100 पर क्वेश्चन या आंसर चैलेंज। तो यह एक बहुत बड़ा नोटिस है और इसमें जो है डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है आंसर की अगर आप लोगों को सबमिट करना है तो उसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। कितना तारीख को? तो 20 अगस्त के शाम को 6 बजे से लेकर के 25 अगस्त के शाम के 6 बजे तक, और उसके लिए आप लोगों को पेमेंट करना है 100 रुपया पर क्वेश्चन या आंसर चैलेंज के लिए आपको 100 रुपया को चैलेंज के रूप में देना है। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 6 PM ऑन 25/8/2021 विल नॉट बी इंटरटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांस। इसमें कह रहा है कि 6 बजे के बाद में 25 तारीख के आप लोग अगर कुछ भी करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा, आप लोगों के लिए वो वैलिड नहीं होगा, ये कह रहा है। इसके अलावा में जो है यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट्स एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबोव स्पेसिफिक टाइम लिमिट। ये जो है इसमें कैंडिडेट्स को कहा गया है कि वे लोग जो है अपना रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट है उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और अगर आपको उसके बाद में ये चीज़ करना है तो वो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये जो डेट दिया हुआ, जो टाइम दिया है, उसके बाद में अगर आप लोग चाहेंगे तो वो प्रिंट आउट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यह नोटिस में कहा गया है, तो आपको ये जानकर ध्यान रखना। साथ साथ ये जो डेट है वो डेट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान रख लिया। इसमें जो है आप लोगों को आगे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है अंडर सेक्रेटरी 20/8/2021 यानी कि 20/8/2021 का है, और ये जो आप लोगों को ब्लू कलर में दिख रहा है यहाँ पर, यह यही है आप लोगों का लिंक, यहीं से आप लोगों को क्लिक करना है और क्लिक करके आप अपना ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ये इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स करेक्ट आंसर एंड सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ एनी। अगर आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दिख रहा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम, यहाँ पर आप जैसे सबमिट करते हैं यहाँ पर इसको भरने के बाद में इस प्रकार का एक और नया पेज खुल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड सेकेंडरी हायर 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, और यहाँ पे जो देख रहा है हरा कलर में आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन अबाउट द आंसर की मे सबमिटेड थ्रू देयर सिस्टम ओनली, उसके लिए क्लिक हियर करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर में क्लिक कर लेना है, आप उस लिंक में क्लिक करते हैं आपको एक इस प्रकार का पेज खुल जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसमें कैंडिडेट लॉगिन करने का ऑप्शन दिया है, रोल नंबर यहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स में डालना है, उसका पासवर्ड डालना है, और रोल नंबर में क्या डालना है जो कि आपका एडमिट कार्ड में यानी एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट में दिया था उसी को यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड में भी आपको एडमिशन सर्टिफिकेट में जो भी दिया गया था पासवर्ड उसी को इसमें फिल करना है। जैसे ही आप लोग इसमें फिल करते हैं और फिर लॉगिन में आपको क्लिक कर देना है इस बटन में। आप लॉगिन जैसे करेंगे तो आपका जो भी आंसर किए वह और आप लोग जो भी रिस्पॉन्स किए हैं वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, और आप वहाँ से अपना ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को चार्ज किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका जो लास्ट डेट है हुआ है 25/8/2021, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। तो यह एक बहुत बड़ा नोटिस है, आप लोग
अपना ऑब्जेक्शन को कर सकते हैं, अगर जिसको लगता है कि मेरा क्वेश्चन सही है और बोर्ड की ओर से अगर आंसर की जारी किया गया वो अगर गलत है तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नोटिस है CHSL जो कि आपका 2020 में एग्जाम हुआ था उसी को लेकर के है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जा करके क्लिक करके अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको डाल सकते हैं। तो आप लोग लिंक को जरूर से जरूर चेक कर लीजिए।